हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सजेस्ट स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपनी जो हमारी हिंदी पैडागॉजी यानी हिंदी शिक्षण विधि की जो क्लास चल रही है, ये आज हम करेंगे क्लास नंबर 9। और इससे पहले की जो है हमारी 8 क्लास हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर जाकर और सारी क्लासेस को विज़िट कर सकते हो। अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ही होगा। और फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप सब लोग घर पे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम की, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और घर में रहते हुए तो पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी आप सब लोगों की, और आप इसी प्रकार से जो है पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का ये चैप्टर जो भी वीडियो है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन गाँवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। किस अनुच्छेद की उपयुक्त जो पंक्ति में शताब्दियों जो शब्द है, इसका अर्थ समझाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उचित है। तो देखिए, अभिभावकों से पूछकर आने के, बच्चों से कहेंगे कि आप घर जाना और अपने माता पिता से पूछ के आना कि शताब्दी का मतलब क्या होता है, या फिर श्याम पट पर लिखकर आप उसको बच्चे को अर्थ बताओगे कि शताब्दी का अर्थ ये होता है, या फिर विद्यार्थियों को पूरे अनुच्छेद के संदर्भ में शब्द का अर्थ समझाने के लिए प्रोत्साहित करोगे, या शब्दकोश से अर्थ ढूंढने यानी डिक्शनरी से आप बोलोगे कि आप बच्चे जाकर ना उसमें से आप लोग अर्थ को ढूंढ लेना, या फिर आप ऐसा करोगे। तो देखो, इसका जो सबसे राइट आंसर होगा वो होगा कि विद्यार्थियों को पूरे अनुच्छेद के संदर्भ में कि जो है शब्द का अर्थ समझने के लिए प्रोत्साहित करना, उस बच्चे को जो उसके बारे में जो भी जानकारियाँ हैं, सारी की सारी जो जानकारियाँ हैं उस शब्द की, उसका अर्थ समझने के लिए आप उसको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो इसमें जो थर्ड वाला है, सी वाला जो आंसर है, ये बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। जो सुनना कौशल होता है उसके बारे में पूछा है कि कौन सा जो है कथन इसमें से उचित नहीं है, वो पूछ रहा है, नहीं है। इस पर ध्यान देना कि सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। बिल्कुल सही बात है कि सुनना कौशल से जो सुनना कौशल के बाद जो नेक्स्ट कौशल होगा उससे उसका जो विकास होगा, सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उसका निर्माण करने में सहायक है, ये भी बिल्कुल सही है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ऐसा नहीं है कि जो सुनना कौशल है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है, सारे जो कौशल्स हैं वो अपने आप में सभी महत्वपूर्ण हैं। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, ये भी बिल्कुल सही है भाई, सुनना कौशल है जो मौखिक कौशल के अंतर्गत ही आएगा। तो देखिए, जो इसका सबसे राइट आंसर होगा वो होगा ये नेगेटिव आंसर है, सुनना कौशल जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है कम महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं होता कि जो सुनना कौशल होता है वो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसके अकॉर्डिंग ही जो आगे के जो कौशल होते हैं LSRW, तो उससे ही सारे के सारे जो एल से ही जो हैं सारे के सारे कौशल हैं उनका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित स्तर वाले विकल्प को चुनिए। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? तो जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पठन सामग्री है उसको क्यों उपलब्ध कराया जाता है? तो भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने के लिए एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। जो इसका सबसे सटीक आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला होगा कि जो पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। तो इस कारण से क्या करेंगे जो बच्चे हैं उन बच्चों में अतिरिक्त जो पठन सामग्री है हम उसका विकास करते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो इसमें दो कमरे, शिक्षण सामग्री, दो शिक्षक या टेलीविज़न। तो देखिए, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है योजना, उसमें जो है आपका ये जो टेलीविज़न है ये उसमें नहीं आता, बाकी दो कमरे, शिक्षा सामग्री सब आता है। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है छात्र की अभिव्यक्ति का सुधार करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, छात्र में सद्वृत्तियों का विकास करना, छात्र की भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना। तो देखो, इसका जो सटीक आंसर है यानी नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो जो नैदानिक परीक्षण होता है वही जैसे उपचारात्मक परीक्षण होता है उसी को नैदानिक परीक्षण कहते हैं। तो इसमें जो छात्र हैं उसकी क्या है, हम कमजोरियों का पता लगाते हैं उनका उपचार करके कि बच्चे के अंदर क्या क्या कमजोरियाँ पाई गई हैं। तो इसका जो बी वाला आंसर है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपना 6th क्वेश्चन है, अध्यापक का कर्तव्य है कि वह मूल पाठ प्रस्तुत करने से पहले छात्रों को किस ज्ञान का पता लगा ले। कि जब भी जो अध्यापक है कक्षा में जाता है कोई टीचर, तो उसका क्या कर्तव्य हो सकता है कि जब भी कोई वो पाठ है उसको पढ़ाएगा तो उसको पढ़ाने से पहले छात्रों के कौन से ज्ञान का पता लगा ले, पूर्व ज्ञान, अल्प ज्ञान, उच्च ज्ञान या निम्न ज्ञान। तो देखिए, उसके पूर्व ज्ञान का पता लगाना आवश्यक होता है कि बच्चे को कितना पहले से ही ज्ञान
स्थान है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण बात क्या होगी, यानी आप जब चौथी पाँचवीं क्लास होती है वहाँ तक की जो हिंदी की भाषा की पाठ्य पुस्तक है उनका निर्माण कर रहे हो अगर, तो उसके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या बात हो सकती है? समस्त व्याकरण बिंदुओं का समावेश करोगे, भाषा की विविध जो छटाएँ हैं उनको समेटने वाले पाठ बनाओगे, समृद्ध हिंदी की जो छटा है उसका प्रदर्शन करोगे, या फिर ए और सी दोनों, यानी कि जो समस्त व्याकरण बिंदु है उसका समावेश जो है वो कम है, और इसका आंसर होगा ए व सी दोनों, और जो सी वाला है यानी समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा है उसका प्रदर्शन, यानी ए वाला और सी वाला, ये वाला सही होगा, डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, सुहेल अक्सर रंगीन चित्रों वाली किताबों को उलटता पलटता है, इस आधार पर क्या क्या कहोगे आप कि वो कलर्ड जो बुक्स होती हैं उनको उलटता पलटता है, पढ़ना नहीं आता उसको, वह रंगों की पहचान करना चाहता है, रंगीन चित्रों के माध्यम से वह समझने की कोशिश करता है, या केवल चित्र ही उसको पसंद है? तो देखो, जब वो बालक उस रंगीन किताब को उल्टेगा पलटेगा तो उसमें कई प्रकार के रंगीन रंगीन चित्र देखेगा, और चित्र जब वो देखेगा तो उसके दिमाग में, उसके जो मस्तिष्क है उसमें वो उन चित्रों के बारे में सोचेगा, तो उससे क्या होगा कि जो रंगीन चित्र है उसके माध्यम से वह समझने की कोशिश करता है, कि उस बुक को समझने की कोशिश करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग भाषा बोलने वाले बच्चों को जो नामांकन हुआ है, ऐसी स्थिति में भाषा बच्चों की जो भाषाई विकास के संदर्भ में क्या सही होगा? अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, या अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आते? तो देखिए, इसका सबसे सही आंसर होगा कि अनमोल संसाधन के रूप में जो है वो कार्य करेगी। अगर भिन्न भिन्न प्रकार की जो कक्षा जो प्रांतों से अगर बच्चे आते हैं और वो बोलते हैं भाषा, तो क्या होगा, ऐसे जो बच्चे हैं ना उनमें क्या है, आपस में दूसरी भाषा सीखने को मिलेगी उनको, उनको भाषा का विकास ही होगा, ना कि कोई उनको नुकसान होगा। नेक्स्ट, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आज का, प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तक है उनका निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों, हिंदी भाषा के वैविध्य पूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। देखो, प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तक होती है उनका निर्माण करते समय जो सबसे विशेष बात होगी तो उसमें कहानियां अधिक से अधिक शामिल होगी, यानी हम कहानियों को अधिक से अधिक शामिल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये जो क्वेश्चन थे आज के 10 क्वेश्चंस, ये अपने कंप्लीट होते हैं, और अब इससे जो आगे वाला वीडियो है वो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस का आएगा, और उसमें वो हमारा क्लास नंबर 10, और ये आज की जो क्लास नंबर 9 थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको थ्योरी वगैरह की क्लास चाहिए शिक्षण विधियों की पूरी डिटेल में, तो आप लोगों ने बोला है, तो वो क्लासेस मैं कल से स्टार्ट करने जा रही हूँ। और तो आज की वीडियो जो है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ते रहिए इस प्रकार से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने फ्रेंड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करके मुझे बताओ, और आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि अगर आपको रीड से रिलेटेड जैसे कोई मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वो भी बना सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो, जिससे कि आपका जो है घर बैठे अगर किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है इस टाइम, तो जिससे क्या है आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और जो आप लोगों ने कल बोला था मेरे को, तो थ्योरी वाली क्लास है जो अपनी शिक्षण विधियों की टॉपिक वाइज, वो मैं आपको कल से स्टार्ट कराने जा रही हूँ, और साथ में आपको मनोविज्ञान की क्लासेस भी थ्योरी वाइज देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, एंड कॉमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।